2020 में जब कोरोना ने अपना कहर बरपाया था तो गांव के लोग कोरोना के कहर से बच निकले थे, लेकिन 2021 में कोरोना ने जो कहर बरपाया उसने हर किसी के जहन में खौफ भर दिया। इसे लेकर न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की टीम गांव देहात का जायजा लेने के लिए पहुंची। सबसे पहले हमारी टीम थाना इज्जत नगर के आलोक नगर पहुंची, जहां लोगों के घर के दरवाजे और गलियां सुनसान मिली। लोग इतना डरे हुए थे कि कोई शख्स घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। कहर मेरे मोहल्ले में है, जिस एरिया में, इस हिसाब से बहुत ही ज्यादा है और कोई भी स्वास्थ्य की कर्मी की कोई भी टीम नहीं आ रही है। कोई सैनिटाइजेशन हो रहा है? कुछ भी नहीं। अगर बुखार की बात की जाए तो क्षेत्र में कितने लोग बुखार से ग्रसित होंगे? लगभग मान के लिए 50% तो होगा ही आदमी। कितनी आबादी यहाँ की? लगभग 1700-1800 आबादी है, मतलब 1000 से ज्यादा आदमी। एक्चुअली सही बात कहूँ तो पिछले 7-8 दिन से तो मुझे कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर नहीं आई। बीच में एक आध बार सैनिटाइजेशन हुआ था, लेकिन वो भी एक मात्र खानापूर्ति नजर आई थी मुझे। इसके अलावा बहुत से घरों में लोग बीमार हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, लेकिन कोई भी आदमी जो है अपना टेस्ट नहीं करवाना चाह रहा है। बहुत से लोगों से बात हुई तो कुछ लोगों का यह कहना है कि जैसे कि पहले जो आपका कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगाए गए थे, वैसे कैंप लगाए जाएं, क्योंकि हर आदमी की अप्रोच नहीं है जिला अस्पताल तक। तो मेरी प्रशासन से यही डिमांड है कि एक बार यहाँ पर एक कैंप लगाया जाए, जिसमें यहाँ पे जितने लोग हैं जो कि बीमार चल रहे हैं या जिनको किसी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी मतलब समस्याएं हैं, वो एक बार कैंप में जाकर के अपना चेकअप करवा लें। इस पूरे एरिया की हमारी टीम ने पड़ताल की तो पाया यहाँ कोरोना से 10 दिन में 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और अनगिनत लोग बुखार से ग्रसित हैं। बुखार का आलम यह है कि गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। या तो लोग डर के मारे अपने घर में सीमित हैं या अपने आप को टेस्ट करवाने से बच रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आलोक नगर में 500 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं और अगर उनका टेस्ट करवाया जाएगा तो वो पॉजिटिव ही निकलेंगे। लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची, ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई आया है। यहाँ के लोगों ने अपने आप बल्लियों को लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। इनकी मांग है कि इनके आलोक नगर में सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाए और लोगों का टेस्ट भी करवाया जाए। यहाँ हर घर में बुखार का मरीज है और ज्यादातर मरीजों के लक्षण कोरोना वाले ही हैं। बुखार से पीड़ित तो मेरे ख्याल से जितनी आबादी है उसमें से 50% घरों में पीड़ित हैं और जो घर में ही बुखार से पीड़ित होकर इलाज करवा रहे हैं, और कोरोना पॉजिटिव मेरे 50-60 परिवारों में हैं इस टाइम, और डेथ अभी कम से कम 10 दिन में 30 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और मरने वालों का आंकड़ा तो रोजाना है, 2-3 लोग तो रोज ही मर रहे हैं यहाँ पे। कोई स्वास्थ्य टीम आ रही है यहाँ पे? कोई नहीं, पिछले साल जैसे आती थी इस बार कोई नहीं आ रहा है। सरकार का दावा है कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए घर घर टेस्टिंग की जा रही है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन शहर से लगे आलोक नगर में सरकार के दावे खोखले साबित हुए। पड़ताल में भी सरकार की कार्रवाई सिर्फ कागजी ही साबित हुई। आलोक नगर के लोगों को जिला प्रशासन से आज भी आस है कि वो उनकी मदद को जरूर आएंगे। देखा जाए तो जिला प्रशासन के रवैये से कोरोना का खात्मा तो संभव नहीं है। रायबरेली से पवन कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।